एज ए टीचर या एज ए प्रैक्टिशनर मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये एक रिस्पॉन्सिबल काम होता है कि किसी काम को जज करना, और स्पेशली बच्चों के काम को जज करना जिसमें उनका पैशन इतना नज़र आ रहा होता है, जो शायद बयान वो जिस तरह से कर रहे होते हैं बहुत ही टफ हो जाता है कि उसको जज किया जाए। मुझे ये फियर लगता है कि जब किसी को फर्स्ट कहते हैं तो सेकंड वाला अपने आप को कम ना समझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 1 or 2 or 3 हमने गिनती सीखी हुई है और हम एक सर्टन सिस्टम के ज़रिए हमारी भी मजबूरियाँ हैं। मतलब मैं तो मुझे चॉइस दी जाए तो मैं शायद कभी मार्किंग ना करूँ, क्योंकि उससे मार्किंग से आप किसी को हाई और किसी को लो कर रहे होते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीज़ें सेलेक्ट तो करते हैं, बड़ा अच्छा होता है कि हर दफ़ा पैनल बड़ा वैरायटी होती है, उसके अंदर लोग डिफरेंट तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं, एग्री करते हैं, हम लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन फाइनली क्योंकि हमें टास्क दिया जाता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड करना, हम कर भी देते हैं। जबकि क्रिएटिविटी शायद इसकी मोहताज नहीं है। आप सीखते ज़रूर हैं फॉर्मल सेटअप से चीज़ें, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट हमेशा इनफॉर्मल चीज़ें की जाती हैं। तो इस सिस्टम को हम फॉर्मली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो हमारी अप्रोच है वो यही है कि वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बनना है, इससे उन्हें ज़िंदगी का आर्ट सीखना है, और जहाँ जाएंगे उसमें वो आर्ट नज़र आना चाहिए। अगर एक बच्चा अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बात कन्वे कर रहा है और वो उसमें डिफरेंट वेज ऑफ सीन्स को परसीव कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ये इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि इट्स नॉट ओनली एन आर्ट, आर्ट इज़ कनेक्टेड विद आवर लाइव्स। तो इन बच्चों के अंदर वो होगा कि अपनी ज़िंदगी को देखना है किसी मुख्तलिफ ढंग से, और वही लोग डेवलप करते हैं जो कोई एक नई तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि जब वो नई तरीके से खुद देखेंगे तो नई चीज़ भी दिखा सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी ये आर्ट की तरह गुजारें, हर दिन उनके लिए नया दिन हो, हर लम्हा उनके लिए नया लम्हा हो, और उस लम्हे की रिस्पेक्ट इसी तरह से करेंगे शायद दूसरा लम्हा नहीं आएगा। आर्ट बीट का ये जो इनिशिएटिव है जिसका आर्ट मेन फोकस है, लेकिन इससे जो मल्टी डिसिप्लिनरी एक जो बेनिफिट्स होंगे बच्चों के आने वाले टाइम में, आई कैन फोरसी। नेशनल लेवल पे आपने इस प्रोग्राम को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल्स हैं रिमोट एरियाज़ के उनको इंक्लूड किया, तो आई थिंक इट्स अ बिग इनिशिएटिव कि आप बच्चों के लिए रेजिडेंसी करा रहे हैं। तो जब एक बच्चा वहाँ पे आता है एक बिल्कुल न्यूट्रल बैकग्राउंड से, जिसका कोई उसको नहीं पता कि आर्ट क्या होता है और उसने क्या करना है, तो वहाँ पे उसको सिर्फ ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि पेंटर ऐसा होता है, वो ऐसे सोच के पेंटिंग बनाता होगा या शायर टाइप होगा, तो वो थोड़ा सा उसका एक ब्रेक होता है। जब वो काम करते हैं विद एस्टैब्लिश आर्टिस्ट्स हु कम एंड जज देयर वर्क्स, दैट्स इनक्रेडिबल, एंड नॉट ओनली विल दैट हेल्प द किड्स देमसेल्व्स, इट विल आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स अंडरस्टैंड। मतलब इट्स नो लॉन्गर अ वेरी सस्पिशियस प्रोफेशन के पता नहीं फ्यूचर स्टेबल होगा या नहीं होगा। इट्स आई थिंक इट्स ग्रेट इन दैट रिगार्ड। मेरा ख्याल है वो बच्चे जो कि इस स्टेज से ऐसे टीचर और ऐसे मेंटोर के साथ काम करेंगे, तो उनका फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि दैट वुड बी अमेजिंग इंशाल्लाह। तो मेरा तो ख्याल है कि जिस कॉम ने डेवलप होना है, अगर वो आर्ट को नहीं जानती तो वो डेवलप हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज कॉम में वही जिंदा है जिन्होंने आर्ट की रिस्पेक्ट की। और आज आपको हिस्ट्री जितनी मिलती है आप देखें सिर्फ उन्हीं से मिलती है, वो आर्ट फॉर्म में मिलती है, वो कहीं पर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है, या आर्किटेक्चर है या लिटरेचर है, सारी की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है और बड़े राइट टाइम पे है आर्ट बीट की। तो आई डोंट नो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये वो टाइम है कि शायद आर्ट बीट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसकी टेक केयर कर रही है, उसकी फ्रूट की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। और मैं तो देख रहा हूँ, मतलब मैं तो ग्रेजुअली वो चेंज देख रहा हूँ इन नंबर्स, इन क्वालिटी, ये सारी चीज़ें। और क्या मतलब इससे एक्साइटमेंट हमारी क्या हो सकती है कि हम जितनी अपनी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं और चेंज हमें नज़र आ रहा है। तो आई थिंक मुझे तो बड़ा बेहतर फ्यूचर नज़र आ रहा है। आई विश कि मैं बच्चा होता और ये सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली होती।